हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एंगल ग्राइंडर के बारे में। ये एंगल ग्राइंडर एक ऐसी चीज़ है, ऐसा टूल है जो ज़्यादातर दुनिया के सभी चीज़ों को कट कर सकता है। चाहे आप कोई भी चीज़ हो आपकी जिसे आप कट करना चाहते हैं, उसे आप कट कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हार्डवेयर में होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है। अगर आपका एक हाउस होल्ड, अगर आप छोटा मोटा कुछ टूल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप घर में बनाना चाहते हैं, या घर की मरम्मत या कोई काम आप करना चाहते हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में और ये कैसे चलता है इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके पार्ट्स ज़्यादातर कुछ दिखने वाले नहीं होते आपको। आपको एक स्विच मिलता है जो होता है ऑन ऑफ, जो डिवाइस के हिसाब से ये देखिए थोड़ा हार्ड होता है। जब भी आप एंगल ग्राइंडर को शुरू करें, ध्यान रखें कि ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है, क्योंकि ये एंगल ग्राइंडर बहुत ही जर्क देता है जब भी आप स्टार्ट करते हैं। तो ये पिन अपने सॉकेट में लगाने से पहले ये ज़रूर जाँच लें दोस्तों कि ये ऑफ पोजीशन में है या नहीं। तो उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, इसका एक स्पैनर होता है जिससे आप व्हील को निकाल करके इस उसके व्हील को यहाँ पर आपको व्हील्स बिठाने होते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हील्स के बारे में। इसमें बहुत सारी व्हील्स आती हैं जिसमें आप बहुत तरीके के काम कर सकते हैं। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे प्लम्बिंग कर सकते हैं, या वॉल को कट करना है, कंक्रीट को कट करना है दोस्तों, लकड़ी को कट करना है, लोहे को कट करना है, आप कुछ भी कट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो इसमें ये देखिए, ये जो व्हील है आप देख रहे हैं, ये व्हील कट करता है लकड़ी को दोस्तों। इसको आप अच्छे से बिठाना चाहिए, इसे इस तरीके से घूम करके ये लकड़ी को कट करता है। फिर ये वाला व्हील मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला व्हील है देखिए, ये और ये दो कलर में, ये जो व्हील है ये कट करता है दोस्तों लोहे को, यानी TMT बार्स या लोहे का कुछ भी आइटम अगर आपको कट करना है, स्टेनलेस स्टील जो भी चाहे, मेटल का कोई चीज़ है, तो उसे आप इस व्हील्स के इस्तेमाल से कट कर सकते हैं। इसमें डायमंड्स लगे होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा सा स्पार्क पड़ता है दोस्तों। मैं आपको अगर टाइम मिला तो डेमो भी करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे इस्तेमाल करके आप लोहे के पीस को कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये देखिए, ये थोड़ा सा घिसा हुआ ब्लेड है, लेकिन इसमें भी डायमंड्स लगे होते हैं यहाँ पे। इससे आप कंक्रीट को कट कर सकते हैं, वॉल्स को, जैसे आपकी दीवार में कहीं पर छेद बनाना हो, टाइल्स को कट करना हो, तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। एक ब्लेड को दूसरी जगह पे नहीं इस्तेमाल कर सकते दोस्तों, सभी ब्लेड्स को उसी काम में इस्तेमाल के लिए लाया जा सकता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है, बहुत ही स्मूथ फंक्शन आपको देता है। दूसरा एक ब्लेड है, ये देखिए, ये ब्लेड है, ये पॉलिशिंग का ब्लेड है, पॉलिशिंग का व्हील दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्हील है दोस्तों। अगर आपको लकड़ी को पॉलिश करना है तो आपको अभी कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कारपेंटर का दूसरा अलग अलग जो डिवाइस है, या उनकी मैनुअल कारपेंट्री का पॉलिशिंग व्हील चीज़ होती है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं। ये व्हील आपका सभी पॉलिशिंग का काम कर देगा दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस व्हील की मदद से और इस व्हील की मदद से घर में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इसी वीडियो में। आप वीडियो देखते रहिए। फिर दोस्तों, ये व्हील आता है, ये आपको टाइल्स कट करने के बाद उसको मोल्डिंग करने की ज़रूरत होती है। जब पहले टाइल्स को इस व्हील से कट करना होता है, फिर उसको मोल्डिंग करना, स्मूथ करना, उसके लिए ये व्हील काम आता है। ऐसे बहुत सारे व्हील्स होते हैं दोस्तों जो आपको बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल करने होते हैं। तो दोस्तों, ये उसकी बेसिक शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले हम इस कटिंग व्हील को इसमें कैसे बिठाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, 4 इंच के व्हील होते हैं। इस व्हील का साइज़ और इस व्हील का साइज़, ये बीच में का ये देखिए डायमीटर अलग है। अगर इसको आपको बिठाना है तो सबसे पहले इस नट को निकालना होगा। निकालने के बाद ये देखिए, आप यहाँ पे लूज़ हो रहा है,
तो आपको इसको निकाल करके उल्टा घुमाना होता है और अभी आपको ये देखिए इस प्रकार से फिट करना होता है और ये रोटेशन के डायरेक्शन में आपको फिट करना होता है। ये देखिए इस तरह से रोटेशन होगा तो इस तरह से उल्टा नहीं लगाना होता है वरना आपको कुछ इंजरी भी हो सकती है। ये देखिए उसके बाद में स्क्रू को फिट करना होता है फिर ज़्यादा अच्छे से फिट करने के लिए उसे इस होल को यहाँ पे एक स्विच है दोस्तों ये देखिए इसको दबा करके ये देखिए इसको दबा करके आपको ये देखिए दब गया अंदर जाता है ये फिर इसको घुमाना होता है दोस्तों दबा करके घुमाना उसके बाद ये व्हील परफेक्ट बैठ जाता है देखिए पहले इसका गार्ड है दोस्तों जब भी गार्ड की आपको ज़रूरत नहीं होती है तो गार्ड को आप निकाल भी सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है ये आपकी सेफ्टी के लिए है। प्लग को मैंने लगा दिया है दोस्तों अब मैं घुमा के आपको दिखाऊंगा इस स्विच को आप प्रेस करने के बाद आपको अच्छे से पकड़ना है दोस्तों हैंडल को क्योंकि छोटा सा जग इसमें मिलता है और ये आपको डेंजर भी हो सकता है तो सबसे पहले इसे पकड़ना अच्छी तरीके से सीखिए इसे आप इसकी आवाज़ से आपको डरना नहीं है अगर डरेंगे तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों आपको व्हील की रोटेशन चेक करनी है ये व्हील की जो रोटेशन है ये देखिए उसी रोटेशन में हमने ये व्हील लगाया है ये देखिए और अच्छे से ये फिट बैठ गया है। अभी दोस्तों ये कैसे कट करता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा है इसे थोड़ा सा कट करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसे चालू करना है इसे इसने बहुत ही आसानी से इस लकड़ी के टुकड़े में इतना गैप बना दिया है दोस्तों इसे आप आसानी से कट कर सकते हैं। अब हम लगाने जा रहे हैं पॉलिशिंग का व्हील दोस्तों ये मैजिकल व्हील है ये मुझे पहले स्टार्टिंग पता नहीं था दोस्तों कि ये व्हील होता है इसके लिए सबसे पहले इसे हमें उल्टा करना होगा क्योंकि इसका साइज़ के हिसाब से फिर इस प्रकार से लगा करके फिर से इसको फिट कर देना है। देखिए फिर बटन को प्रेस करना है थोड़ा सा हिला करके ये देखिए प्रेस हो गया प्रेस होने के बाद इसको टाइट करना है ये देखिए दोस्तों टाइट हो गया। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये व्हील यहाँ पे कैसे काम करता है इसकी गंदी सरफेस को कितनी अच्छी तरीके से ये साफ़ करता है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ये सरफेस गंदी है ये देखिए ध्यान रखिए दोस्तों इसे कभी भी इस तरीके से नहीं रखना है उल्टा करके ही रखना है वरना ये जर्क देके आपके ऊपर आ सकता है। ये देखिए आप कितनी स्मूथ ये सरफेस बन गई है दोस्तों ये देखिए बहुत ही स्मूथ सरफेस को बनाया गया है। अभी हम व्हील चेंज कर लेते हैं दोस्तों हमने इसमें लगा दिया है लोहे को कट करने का यानी मेटल को कट करने का व्हील और ये एक रस्टेड मेटल का पीस है आप देख सकते हैं ये। तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से कट कर पाते हैं ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको स्टार्ट करना है Thank you.
थे दोस्तों, इसने ये देखिए दोस्तों, इसने बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कट कर दिया है। अभी इस व्हील को जानते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसने कट कर दिया है, लेकिन संभाल के आपको रहना है, आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इस डिवाइस को, इस एंगल ग्राइंडर को यूज़ करते समय दोस्तों आपको और एक चीज़ की चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो है ये सेफ्टी गॉगल्स। इस प्रकार के मार्केट में आपको 20-30 रुपये में मिल जाएंगे, उनको पहना करें ताकि कुछ पार्टिकल्स जो आपके अगर आँखों में चले जाने से आप बच सकते हैं। सेफ्टी गियर पहने, इस प्रकार के सिर ढकें, नाक को कुछ कपड़ा वगैरह बांधें। जब आप लकड़ी का काम करेंगे तो नाक को कुछ कपड़ा वगैरह बांध के ये सब काम करेंगे। इसके साथ साथ आप पूरे बाहें के कपड़े पहने, उससे आपकी अच्छी तरीके से आप सुरक्षा कर पाएंगे। अभी देखते हैं टाइल्स या वॉल्स को किस प्रकार से कट किया जाता है। दोस्तों, हमने कंक्रीट कट करने की ब्लेड हमने यहाँ पे लगा ली है। अभी हम इसे, ये टाइल्स का टुकड़ा है, आप देख सकते हैं, इसको आपको मैं कट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक दूसरे की ब्लेड दूसरी जगह में इस्तेमाल ना करें। जैसे कि ये जो है, ये लोहे की जो है ब्लेड है, उसको कंक्रीट के लिए या टाइल्स के लिए इस्तेमाल ना करें। जो रेकमेंडेड ब्लेड है वही आप इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप अपने लोकल स्टोर में जाके पूछ सकते हैं। और एक दोस्तों, जब भी आप स्ट्रेस में हो तब इसका इस्तेमाल ना करें दोस्तों, क्योंकि और आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है दोस्तों। जब आपकी एनर्जी लो हो तब भी आप काम ना करें, पूरे फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करें, वरना इससे आपको धोखा भी पहुंच सकता है दोस्तों। ये डिवाइस जितना आसान और हल्का और सिंपल दिख रहा है, उतना आपको क्षति भी पहुंचा सकता है। तो इसके लिए प्रिकॉशन अच्छी तरीके से लें, इसे डरे नहीं दोस्तों, इससे फ्रेंडशिप बनाएं, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ें आप बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं टाइल्स को कट कैसे करते हैं। सिर्फ 5-10 सेकंड में इस टाइल को इतना, ये देखिए कट मैंने लगा दिया है दोस्तों। तो इसका मतलब आप जान सकते हैं कि कैसे कामों में आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दोस्तों, जब आप वॉल्स को कट कर रहे होंगे या टाइल्स को कट कर रहे होंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा धूल होती है, तो नाक को कपड़ा आपको बांधना होगा, वरना आपको सर्दी वगैरह हो सकती है या पोल्यूशन के कुछ इश्यूज़ हैं, उससे भी आपको जाना पड़ सकता है। इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लें। तो चलिए दोस्तों, मैं एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने लकड़ी की, पहले मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने इस ग्राइंडर के इस्तेमाल से की हैं। ग्राइंडर के साथ साथ दोस्तों, इस एंगल ग्राइंडर के साथ साथ सिमिलर टाइप का एक डिवाइस आता है, ये देखिए, ये है एक कटर। ये होता है एक कटर दोस्तों, इसके बारे में आपको ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। एंगल ग्राइंडर की दोस्तों एक डिसएडवांटेज है सिंगल ग्राइंडर की, कि जब भी आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में कुछ चीज़, जैसे आपको एक दरवाजे की बॉर्डर कट करनी है या कुछ करना है, या टाइल्स एक स्ट्रेट लाइन में आपको कट करनी है, तो वो दिक्कत पैदा करता है और सीधी लाइन में कट नहीं करता। उसके लिए ये आपको, ये अलग ऐसा कटर, इसकी ब्लेड एक सरल में होती है इस प्रकार से, इसका मोटर स्ट्रेट होता है यहाँ पे, ये देखिए, इस प्रकार का एक कटर आपको लेना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, मार्बल कैप कटर जिसे कहते हैं, ये लेना पड़ता है, और इसे मनचाही ब्लेड लगा करके आप कटिंग कर सकते हैं। और इससे आपको जो कटिंग होगा, आपको एकदम सीधी रेखा में कटिंग होगा, इसके लिए इस पर मार्किंग वगैरह सब दिया हुआ होता है दोस्तों।